नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। पहले कटनी हवाला कांड और अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के निशाने पर आए मंत्री संजय पाठक इन दिनों बांधवगढ़ में डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए संजय पाठक के मुताबिक बांधवगढ़ में कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नहीं है। संजय पाठक का ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास, जानने की कोशिश की बांधवगढ़ पहुंचकर इंडिया फर्स्ट टीम ने। बांधवगढ़ उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बीजेपी का ये चुनावी कार्यालय है और बीजेपी की रणनीति जग जाहिर है। बूथ की वो एक एक मॉनिटरिंग यहाँ पर करती हैं। मंत्री संजय पाठक खुद इस पूरे चुनाव का यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। मंत्री जी, किस तरह की तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पेज टू पेज वो जिस तरह से मार्किंग चलती है, क्या उसी तरह की मार्किंग अभी भी चुनाव में देखी जा रही है? देखिए, जो हमारे पन्ना प्रमुख है वहां तक तो आप ये तो बड़ी तैयारी की बात कर रहे हैं। हम मतदाता स्तर की तैयारी पे वर्किंग कर रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक मतदाता के घर घर पहुंच के और उनको कन्वेंस कर रहे हैं। और सिर्फ करना इतना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको याद दिलाना है कि अगर आपको उज्ज्वला गैस मिली तो ये सरकार की योजना से, अगर मध्य प्रदेश के अंदर आपको जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है तो ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक एक गाँव में 150-150, 200-250 मकान बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इन उपलब्धियों को ही बताने से ही लोग जो है वो पूर्ण रूप से कन्वेंस हो रहे हैं। और एक दुखद बात में कुछ जो देखने को मिल रही है, चुनाव में एक जो आनंद आता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों रहे, तो यहाँ तो विपक्ष विहीन दिख रही है। ये पूरी बांधवगढ़ विधानसभा एक वन साइडेड जिसको कहना चाहिए कि कांग्रेस अब अस्तित्व विहीन हो चुकी है। बूथ स्तर पर तो कहीं बची नहीं है। मतदाताओं के यहाँ पे भी हम जा रहे हैं तो दो दो चार चार गांव में कहीं का घर कोई अगर दिख जाए तो दिख जाए, और वो भी कोई पार्टी का पदाधिकारी अगर उनका है तो वही दिख रहा है। बाकी चुनाव में जो आनंद आता है लड़ने का कि दोनों पहलवान थोड़ा बराबरी, क्यों थोड़ा कमजोर भी हो तो चल जाए। यहाँ तो सामने विपक्ष विहीन है, पूरी बांधवगढ़ विधानसभा विपक्ष विहीन है। कहीं ना कहीं ये बात हम जानना चाह रहे थे कि आपके जितने भी मंत्री हैं वो क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कोई अंडरकरंट तो नहीं है या फिर वास्तव में विपक्ष विहीन जैसे कि आप कह रहे हैं उसी तरह की जो सच्चाई यहाँ पर सामने को देखने को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रमुख बात यह है कि चाहे आप किसी भी स्तर के पदाधिकारी हो संगठन में या सरकार में सत्ता में बैठे हुए मंत्री हो या किसी भी पौधे पर बैठे हो, भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़े ओहदे में बैठा व्यक्ति भी अपने आप को बोलता है मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता के भाव से यहाँ पर सभी हम मंत्रीगण लगे हैं। यहाँ मंत्री के भाव से नहीं, पार्टी के अनुशासित सिपाही एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग लगे। और हमारे सबका नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम अगर सरकार में बैठे हैं तो सरकार में हमारी सदस्य संख्या और बढ़े, विधायकों की संख्या और बढ़े, और उसी नाते पार्टी धर्म के नाते हम लोग पार्टी कार्यकर्ता के नाते सारे मंत्री यहाँ पे लगे हुए। उपचुनाव की इस जीत के आपके लिए मायने क्या होंगे, पार्टी के लिए मायने क्या होंगे, क्या सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए या फिर एक जीत का जो मोमेंटम जारी है उसको आगे बनाए रखना है? देखिए, भारत को अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो भारत को फिर कांग्रेस मुक्त भी बनाना पड़ेगा। तो जहां जहां कांग्रेस खड़ी होती है, चाहे वो बांधवगढ़ विधानसभा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश का देश का कोई भी कोना क्यों ना हो, कांग्रेस को हराकर कांग्रेस मुक्त करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, एक उदयमान भारत बनाना है, विश्व विजेता भारत बनाना है, विश्व का नंबर वन भारत अगर बनाना है तो हमको छोटे से छोटे बूथ पर भी कांग्रेस को समाप्त करना पड़ेगा। और विजय का सिलसिला निरंतर चलता रहा है और अभी 2018 में भी मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मैं अभी घूम रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, देख रहा हूँ और लोगों की भावनाएं जो सामने आ रही हैं कि 2018 का जो चुनाव का परिणाम आएगा उसमें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाएगी कांग्रेस। 10% सुपर वोट चाहिए, सदस्य संख्या चाहिए होती है। मुझे नहीं लगता कि 22-23 भी सदस्य कांग्रेस के आ पाएंगे अगले क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र में सक्रिय हैं। 2018 का एंटी इनकम्बेंसी का कुछ आपको यहाँ पर तथ्य या कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जैसी तो कोई भी स्थिति ना बांधवगढ़ में ना ही मध्य प्रदेश के किसी कोने में दिखाई देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका आचरण है, जिस प्रकार के उनके भाव हैं, एक राजा मुख्यमंत्री हुआ करता था, वहीं यहाँ पे एक सेवक मुख्यमंत्री का जो भाव है उसके तहत एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं कहीं पे भी। और निरंतर कुछ ना कुछ जनता को मिल रहा है, क्षेत्र को मिल रहा है, जिले को मिल रहा है, प्रदेश को मिल रहा है, अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब व्यक्ति को मिल रहा है, तो कहीं पे भी ऐसी कोई भावना नहीं है।
क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव कार्यालय है और एक एक जो कार्यकर्ता है वो बूथ दर बूथ यहाँ पर तैयारियां कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय और बांधवगढ़ में एक तरह से वॉकओवर की बात यहाँ पर कही जा रही है, विपक्ष विहीन यहाँ पर नजर आ रहा है नजारा। तो निश्चित तौर पर कहने का ये जो दो उपचुनाव है खासतौर पर अटेर के और बांधवगढ़ के, वो दोनों ही पार्टी के बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि कहीं ना कहीं 2018 के जो आम चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसका कहीं ना कहीं एक संकेत यहाँ पर जरूर देगा। क्या एंटी इनकंबेंसी यहाँ पर दिखाई देती है, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब भी एक बड़े ब्रांड है और क्या वास्तव में जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर कायम है। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, बांधवगढ़।